हमारा एनालिसिस एक बार फिर कसौटी पर खरा उतरा, जैसा कि आप और हम सबका अनुमान था कि ब्रिटेन के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। ठीक वैसा ही हुआ और कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर ठुमके दिखाने वाली लेबर पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आई। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 650 सीटों वाली संसद में पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के लिए जरूरी 326 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। इस चुनाव में विपक्षी दल लेबर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में लेबर पार्टी अपनी पारंपरिक सीटें भी हार गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्हें अब एक नया जनादेश मिला है, जिससे वो ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने वाली ब्रेक्जिट डील को लागू करवा सकेंगे और ब्रिटेन को एकजुट कर सकेंगे। ब्रिटेन में यह आम चुनाव प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में लड़ा गया। जॉनसन का भारत के साथ गहरा लगाव है। भारत के साथ न केवल राजनीतिक संबंध है, बल्कि उनके निजी रिश्ते भी भारत के साथ रहे हैं। उनकी तलाकशुदा पत्नी मरीना व्हीलर क्यूसी का भारत से वास्ता रहा है। मरीना की माँ भारतीय मूल की है, उनका नाम दीप व्हीलर है। उनके दूसरे पति चार्ल्स व्हीलर थे। जॉनसन और मरीना 25 वर्षों तक एक साथ रहे हैं। इस दौरान वह कई बार भारत आए। अपनी भारत यात्रा के दौरान वह दिल्ली व मुंबई में रुका करते थे, लेकिन इसके बाद मरीना से उनका तलाक हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन को जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बेहतरीन जीत के साथ वापसी पर बधाइयां। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और ब्रिटेन के बीच संबंधों पर मिलकर काम करने की उम्मीद रखता हूं। गौरतलब है कि ब्रिटेन में यह 5 सालों के भीतर तीसरा चुनाव कराया गया है। इसके पहले 2015 और 2017 में चुनाव हुए थे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।